टी20 फॉर्मेट के शुरू हो जाने के बाद कई देशों में टी20 और टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाने लगा है। खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के बहुत सारे अवसर भी मिले हैं। अगर किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए जगह नहीं मिलती तो फिर वे टी20 टूर्नामेंटों में खेल लेते हैं। वहीं टी20 फॉर्मेट के शुरू हो जाने से वनडे और टेस्ट क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी भी कम हुई। इसी साल आईपीएल 2023 खेला जाना है, इसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी भी हो गई है। हालांकि बहुत से खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्मिथ भी शामिल हैं। स्टीव स्मिथ ने पिछले महीने कोची में आयोजित आईपीएल ऑक्शन में नाम तो दिया था, लेकिन उनको किसी ने नहीं खरीदा। वहीं उन्हें अपने देश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का उतना मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी काफी धीमी मानी जाती है। वे धीमे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग में स्मिथ की बल्लेबाजी का तूफान जारी है और उन्होंने लगातार दूसरा शतक ठोक दिया है। स्मिथ ने सिडनी थंडर्स के खिलाफ सिडनी सिक्सर्स के लिए 56 गेंदों में शतक जड़ दिया है। खास बात यह है कि इस पिच को बल्लेबाजी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसके बावजूद स्मिथ के बल्ले ने इस पिच पर आग उगला है और महज 66 गेंदों में 5 चौके और 9 छक्के की मदद से 125 रन ठोक दिया है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 189.39 का रहा। स्मिथ के शतकीय पारी के दम पर ही सिडनी सिक्सर्स ने 19 ओवर में 187 रन बनाने में सफल रही। वहीं बारिश के कारण मैच में एक एक ओवर की कटौती कर दी गई थी। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जिस दिग्गज खिलाड़ी को हर बार ये कहकर अनदेखा कर दिया जाता है कि वे काफी धीमी खेलते हैं, यहां तक कि आईपीएल 2023 के लिए भी उनको खरीदने में किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, अब उसी खिलाड़ी ने तूफानी बल्लेबाजी करके सबको चौंका दिया है। वैसे स्मिथ की शानदार शतकीय पारी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आईपीएल 2023 में स्मिथ को नहीं खरीदना फ्रेंचाइजियों के लिए कितना सही फैसला था।